हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तुलाचार्य में। आज हम बात करने वाले मून इन फोर्थ हाउस। इससे पहले हमने बात की मून इन फर्स्ट से लेकर थर्ड हाउस के ऊपर, और इससे पहले हमने सीरीज बनाई थी जुपिटर इन ऑल हाउसेस, मार्स इन ऑल हाउसेस, सन इन ऑल हाउसेस एंड राहु इन ऑल हाउसेस। तो वो उनके एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स क्या रहते हैं, वास्तु के सिम्टम्स क्या रहते हैं, अगर वो आपको सीरीज देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर ऑल प्लैनेट्स वाली सीरीज है, वो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astrosec.com, यहाँ पर आपकी कुंडली फ्री में बन जाएगी। तो यहाँ पर कुंडली फ्री में बना लो, और उसके बाद आपको लग्न चार्ट है वो देखना है, नवमान चार्ट है वो नहीं देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मून है वो फोर्थ हाउस में है, यहाँ पर तीन नंबर लिखा है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में कोई भी नंबर लिखा होगा, आपको ये नंबर को ध्यान में नहीं रखना है। ये लाइफ टाइम फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस रहेगा, ये फोर्थ हाउस रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में ऐसा कहा जाता है ये राशि का नंबर है। तो मून है वो फोर्थ हाउस में तो है, पर तीन नंबर की राशि में है, यानी मिथुन राशि है वो तीन नंबर की राशि है। तो मून है वो फोर्थ हाउस में मिथुन राशि का, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में कहा जाता है। तो ज़्यादातर इसके ज़्यादा कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स है नहीं, पर ये लोग, इन लोगों को बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बाइक्स या कार। इन लोगों के घर में मल्टीपल बाइक्स होती है, इन लोगों की खुद की मल्टीपल बाइक्स होती है, और मल्टीपल कार्स के ये शौक ज़्यादा रखते हैं। तो इन लोगों को व्हीकल होता है वो ज़्यादा पसंद होता है, ये एक ही सिम्टम है। और अगर ये लोग है वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो ये लोग बहुत रिच हो जाते हैं, ये लोग बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। अगर फैमिली बिजनेस हो तो ये लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो ये लोग बिजनेस में जाए तो बिजनेस में ये व्यक्ति है वो उनके मदर को पार्टनर बनाकर बिजनेस करेगा तो बहुत पैसे वाला हो जाएगा मून अगर फोर्थ हाउस में है तो। ये तो हमने बात की एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स के ऊपर, अब हम बात करते हैं वास्तु के सिम्टम्स के ऊपर। तो वास्तु में ये चौथा घर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये फॉर एग्जांपल आपका घर है, ये घर का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर हम घर की डायरेक्शन निकाले तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, एंड ये वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर कंपास निकल कर हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ये वाली नॉर्थ और ईस्ट के बीच की। तो यहाँ पर आपको मून रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर मून की प्रेजेंस आपको मिलेगी। करके सेंटर पॉइंट से देखना है तो यहाँ पर आपकी मदर या मदर्स होती होगी, या तो यहाँ पर पानी का वाटर टैंक होगा, ओवरहेड वाटर टैंक हो सकता है, या तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है। यहाँ पर आपको वाटर रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर आपको वाइट कलर मिल सकता है, यहाँ पर आपको कोई मून रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे सेवन हाउसेस की फोटो होती है तो वो भी मून है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ भी मिल सकती है। या तो यहाँ पर कोई ऐसी फ्रेम हो जिसमें पानी हो तो ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो मून इन फोर्थ हाउस, फिर मून है तो ये जैसे ब्लू कलर है तो वो भी पानी का कलर है, तो यहाँ पर ऐसे भी आपको चीज़ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मून है वो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको वो PDF चाहिए तो मैंने खुद बनाई, वो PDF मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, मैं आपको वो सारी PDF है वो आपको मेल कर दूँगा अगर आपको चाहिए तो। तो आज के लिए इतना, ये सारी टेक्निक्स आपकी कुंडली के ऊपर लगाइए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ऐसे 20 चार्ट्स उठाइए और ये सारी टेक्निक उन कुंडली के ऊपर देखिए, वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतने, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विराजवास्तुला.com विजिट कीजिए। थैंक यू।